प्यारे किसान साथियों, आपने इस वीडियो के पार्ट वन में ट्रैक्टरों का परफॉर्मेंस देखा जो कि अच्छा नहीं था। अब इस वीडियो यानी कि पार्ट टू में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि महिंद्रा 265 XP प्लस ट्रैक्टर एजेंसी से इंजीनियर्स आए हैं जो कि ट्रैक्टर की कुछ सेटिंग्स की हैं। अगर आप नया ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो के तीनों पार्ट जरूर देखें, जिसमें आपको ट्रैक्टर की अच्छाइयाँ वह कमियां भी पता चल जाएंगी। साथ ही हमने इस पार्ट तीसरे में सोनालिका DI 50 का भी कंपैरिजन किया है महिंद्रा ट्रैक्टरों की, जो कि बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फार्मिंग पावर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और कुछ नया सीखते रहें हमारे साथ। नमस्कार भाइयों, फार्मिंग पावर में आपका स्वागत है। कल आपने इस ट्रैक्टर की वीडियो देखी होगी, तो आज जो एजेंसी से लोग आए हुए हैं ट्रैक्टर का मतलब रिव्यू दिखाने के लिए, तो ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस देखकर बताएं कैसा चल रहा है। कल्टीवेटर है जो काफ़ी दबकर चल रहा है, यहाँ पर दबाकर चला रहे हैं नीचे। और कल जो है इसकी लिफ्ट की सेटिंग नहीं हो पाई थी, इसीलिए काफ़ी दिक्कत आ रही थी ट्रैक्टर में। अब जो है इसकी लिफ्ट सेटिंग कर दी गई है, जो भी सेटिंग्स होती है इसकी, तो उस वजह से महिंद्रा 265 अब अपना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, पीछे 9-3 का कल्टीवेटर लगाया हुआ है और RPM कुछ ज़्यादा नहीं तोड़ रहा है, बल्कि 100 RPM ड्रॉप करके चल रहा है। इतने तो शायद सभी ट्रैक्टर ही चलते हैं RPM ड्रॉप करके। और पहले के हाई गियर में चल रहा है, जो कि 33 हॉर्स पावर के अंदर ये ट्रैक्टर आता है, महिंद्रा 265 XP प्लस पावर स्टेयरिंग के साथ में है। और पूछते हैं इनसे कितना RPM, कितने RPM पर चला रहे हैं। भाई, ट्रैक्टर मतलब कम हॉर्स पावर होने के कारण ट्रैक्टर परफॉर्मेंस कुछ दबकर चला रहा है, मतलब दबकर चल रहा है ट्रैक्टर। अच्छा, कितना RPM ड्रॉप करके तो चल रहा हो जो सीधी चाल पर? और पहले के हाई में, पहले के हाई में हो? तो भाई, यहाँ पर बातचीत चल रही है कि ट्रैक्टर कोई दूसरा बुलाया जाए, इसी कैटेगरी का 265 का ही, और उसके साथ नए ट्रैक्टर का कंपेयर जो है कराया जाए कल्टीवेटर के साथ में। तो आप वीडियो में बने रहें, क्योंकि वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। और दो RPM 1500 पर कर रहे हैं, तो 1700 पर किया तो 1500 पर आ रहा है ये।
तो भाई 200 RPM मतलब तोड़कर चल रहा है ट्रैक्टर महिंद्रा 265 जो कि बिल्कुल नया है और एजेंसी से लेकर आए हुए हैं अभी। तीसरे के हाई में सब गेंद में देखो चलो। तो भाई अब तीसरे का लो गियर लगाने जा रहे हैं ट्रैक्टर का और वही हमारे 1700 RPM किए हुए हैं। अब तो देखते हैं आप कितना RPM ड्रॉप करके चलेगा ट्रैक्टर। तो यहाँ पर जो है तीसरे का लो गियर में परफॉर्मेंस ट्रैक्टर का काफी हद तक सुधार आया है इसमें। मोड़ पर ब्रेक मत लियो, ऐसे ही मोड़ दियो, ब्रेक मत लियो, ब्रेक मोड़ पर। हाँ भाइयों बिना ब्रेक के मतलब मोड़ दी जा रही ट्रैक्टर पर। और अब कितने तोड़े मोड़ पर? तो 15 पा रही है। हाँ वैसे 16 है पर मोड़ पर 100 मतलब तीसरे किलो में ड्रॉप ना कर रहा हूँ बिल्कुल RPM मोड़ पर 100 तोड़ रहा हूँ खाली बिना ब्रेक के मोड़ो। अच्छा भैया है ना तीसरे किलो में तो नहीं गिरा रहा हूँ, खैर मोड़ पर 100 गिरा रहा हूँ खाली। चौथे किलो लगा मैं, चौथे किलो अब चौथे का लो गियर लग चुका है, वही 1700 RPM किए हुए हैं और देखते हैं अब कितने RPM ड्रॉप करके चल रहा है ट्रैक्टर। जो भाई नया ट्रैक्टर महिंद्रा का लेना चाहते हैं कोई भी तो ये वीडियो जरूर देखें एक बार, क्योंकि आपको महिंद्रा ट्रैक्टरों के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा लेने से पहले। और यहाँ पर गहराई देख सकते हो काफी सही आ रही है गहराई कल्टीवेटर की, जो है 9-3 का कल्टीवेटर है। और चौथे के लो में हाँ कितने तोड़े अब मोड़ पर 10 पर मतलब 1700 पे कर दो तो अब सीधे पे 15 सीधे 15 पे तो 200 वैसे तोड़ के चल रहे हैं काम गए क्यों 200 RPM तोड़े के चल रहे हो तुम्हारा ट्रैक्टर और मोड़ पे बगैर ब्रेक के 1500 पे आ रहे हो 1700 के अलावा। तुम पे ट्रैक्टर है कौन सा भैया? हमारे पास तो सोनाली का 50 है। 50 के हिसाब से चला हुआ है? 50 के हिसाब से चला हुआ है? नहीं 22 हिसाब से हमारे को आ रहा है कल्टीवेटर खेचे तो है। बात तुम्हारी सही है लेकिन हम इतने बड़े कल्टीवेटर थोड़ी खेचे हैं। ट्रैक्टर है जितने हर पावर का ट्रैक्टर है उतने ही पावर में काम करता है। वाह वाह तुम्हारी सही है। आप तुम कहो के अब आपकी एक थोड़ी सी कमी रहेगी वो आपको हम कोई भी ट्रैक्टर चलाने से पहले थोड़ी सी कमी है तो आप पहले में चला रहे थे अभी तक यही तो चला रहे थे उसके बाद टाप का लो आपने लगा के तुरंत छोड़ दिया उसमें लीवर आप सेट नहीं करोगे थोड़ा सुबह तुम्हारी सही हम तो वो बाइक भी चला रहे हैं ना वे तो ऐसा देखो चेक करने के लिए सारी चीज़ें चेक करी हाँ, करी जाती है तो अपने हिसाब से ही चेक करा जाता है। अब तुम कहो पूरा बैठाल के तो अभी हम दूसरे का लो में जाएंगे पूरा टाप में पूरा घुस के चलेगा कोई लीवर ना तोड़ेगा तो अपना अपना तरीका होता है चलाने का।
वैसे सही चल रहा हुआ हॉर्स पावर के ट्रैक्टर देखे तो मतलब काम सही है ट्रैक्टर को ऐसा आना। देखो मैं तो बताऊँ ये है आपका 35 HP कैटेगरी का 33 HP का 35-33 HP में रजिस्ट्रेशन आएगा 33 का रजिस्ट्रेशन। अच्छा वैसे कैटेगरी 35 दिखाएंगे 33 का आएगा। अच्छा आरसी इस पावर का कोई भी ट्रैक्टर आप लिया उसके बराबर हम चला के देख लो अंतर लगा ट्रैक्टर में तो बताओ फिर अंतर लगा तो बताओ क्या हो सकता है। इस ट्रैक्टर को और गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो का पार्ट तीसरा मिस ना करें जिसमें कि ट्रैक्टर को H1 गियर में और लो के चौथे गियर पहले से चौथे गियर तक चलाकर दिखाया गया है, तो उस वीडियो को जरूर देखें।